काफी टाइम से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई साहब हंटर एक्स हंटर देखो, हंटर एक्स हंटर देखो। तो ठीक है यार, मैं उसे देखने की मैंने ठानी, लेकिन जब मैंने उसके बारे में सर्च किया तो भाई 148 एपिसोड थे यार। इतना टाइम कहाँ से लाऊं इसके 148 एपिसोड्स में देखूं। फिर मैंने देखा कि भाई साहब इसकी मूवीज भी हैं, तो क्यों ना पहले मूवीज ही देखी जाए, अगर मूवी अच्छी लगी तो फिर इसकी एनिमे सीरीज देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा हंटर एक्स हंटर फैंटम रूज मूवी के बारे में, जो 2013 में आई थी और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट है। और सीरियसली बताता हूं, जब मेरे सामने इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि इसको देखो यार हंटर एक्स हंटर इसको देखो, तो मैंने इसके बारे में जब सर्च किया, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखी, तो वहां पर यार ये थोड़ा सा मुझे बचकाना सा लगा। मतलब कि जैसे इसके अंदर करेक्टर है यार, वो चड्डी पहन के घूम रहे हैं यार, चड्डी पहन के घूमने वाले को मैंने लगा यार ये फिर बच्चों वाली चीज होगी, इसके अंदर कोई मैच्योर वाली चीज नहीं होगी, तो इसलिए मैंने सच में इसको स्टार्टिंग में तो इग्नोर किया। फिर मैंने इसके बारे में सर्च और किया तो वहां पर भाई साहब ये टॉप में चल रहा है यार, हंटर एक्स हंटर टॉप में चल रहा है। तो मुझे लगा यार कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर। और फिर इसका जो स्टूडियो देखा, फिर मैंने तो सोचा यार इसको देखना तो बनता ही है, यानी इसका जो स्टूडियो है वो है मैड हाउस। खैर मैं एक बात पहले बता देता हूं कि ये मूवी देखने के बाद आप इस एनिमे सीरीज को प्लीज जज मत करना, क्योंकि ये मूवी जो है वो जज कर नहीं सकती इस पूरी इंटायर 148 एपिसोड को, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जब मैंने इस मूवी को देखने की सोची तो मैंने सोचा यार क्यों ना पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया जाए, पहले पता तो कर लिया जाए कि एनिमे सीरीज है किस बारे में। तो जो इसके बारे में सर्च किया तो पता किया और इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में जाना, बेसिकली इसके अंदर है क्या, इस एनिमे सीरीज के अंदर कुछ जो है अजीबोगरीब क्रिएचर हैं, उनको मारने के लिए हंटर्स हैं, लेकिन वो हंटर बनने के लिए एक एग्जाम पास करना पड़ता है, काफी सारे टेस्ट देने पड़ते हैं और उनको वहां पर जाके एक हंटर का लाइसेंस मिलता है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है हंटर एक्स हंटर देखने का। अब यार मुझे वो लोग गालियां मत दे देना जिनको ये एनिमे सीरीज बहुत ज्यादा पसंद और कहें यार तुझे पहले एनिमे सीरीज देखनी चाहिए थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई पहले एनिमे मूवी देखने की, तेरे को बिल्कुल भी नहीं पता इसमें क्या होने वाला है। खैर यार मैंने काफी ज्यादा सर्च किया और इतनी सारी एनिमे मूवीज एनिमे सीरीज देख रही है तो दिमाग इतना प्रिपेयर हो जाता है कि यार आखिर चल क्या रहा है, हम पता लगा लेते हैं। ओके तो शुरू करते हैं। देखिए कहानी के बारे में बात करें इस मूवी की, तो एक कुरापिका जो करेक्टर है, अब उसकी जो उसके पूरे समुदाय को खत्म कर दिया गया था इसमें, जो वो बताता है क्योंकि समुदाय को खत्म करने के पीछे रीजन था उनकी आंखों का, उनकी स्कारलेट आंखों का होना, और अपने समुदाय को मारे जाने के बदला लेने के लिए ये हंटर बनता है। अब यहां पर एक इंसिडेंट होता है इस मूवी के अंदर कि उसकी आंखें जो है वो चोरी कर ली जाती हैं एक इसी के दोस्त के द्वारा, जो मरा हुआ दोस्त होता है वो पपेट होता है, उसमें कैसे ना कैसे जान फूंकी गई है। खैर किसने फूंकी, कैसे कैसे उन्होंने टेक्निक अपनाई, वो तो जब आप ये मूवी देखोगे तब पता चल जाएगा, क्योंकि यार मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, फिर ये आ जाता है कि यार आपने स्पॉइलर दे दिया। और इसके समुदाय को खत्म किया होता है फैंटम ट्रूप ने। फैंटम ट्रूप कौन है, बीसीए, सब चीजें इसके अंदर नहीं दिखाई गई है, शायद जो एनिमे सीरीज है उसके अंदर इसके बारे में बताया गया होगा, लेकिन इस मूवी के अंदर बिल्कुल भी उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो कुरापिका की हेल्प के लिए इसके दो दोस्त आते हैं, गोन और किलवा, यही दो मेन करेक्टर हैं इस मूवी के, इस सीरीज के, और इन दोनों में भी मेन करेक्टर है गोन, लेकिन इस मूवी के अंदर ज्यादा फोकस किलवा के ऊपर किया गया है। उसका एक पास्ट इसमें दिखाया गया है जहां पर इसका भाई इसको कहता हुआ नजर आता है कि तू किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना सकता, और अगर तूने किसी को अपना दोस्त बनाया तो वो एक दिन तुझे धोखा दे देंगे, अगर वो धोखा नहीं देंगे तो तू धोखा दे देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तू उनको मार देगा। लेकिन इस मूवी में अंदर जैसा दिखाया गया ये अपने इस डर के ऊपर तो काबू पा लेता है और अपना बेस्ट फ्रेंड बनाता है गोन को, और वो अपने आप को कहता भी है मैं कभी भी तुझे धोखा नहीं दूंगा, जैसा ये स्टार्टिंग में एक सीन आता है उसमें दिखाया जाता है। और जो गोन और किलवा जो इनकी जो दोस्ती है वो कैसे डेवलप हुई, एक छोटी सी झलक आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगी, बाकी की जो डिटेल है वो एनिमे सीरीज में बताई गई है। लेकिन किलवा का जो दूसरा डर होता है, जो इसके भाई ने इसको सिखाया होता है कि कभी भी अपने से ताकतवर अपोनेंट के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए, वहां से भाग जाना चाहिए, और ऐसा ये मूवी में करता भी है, और इस डर के ऊपर वो कैसे काबू पाते हैं ये वाली चीज इसके अंदर दिखाई गई है। और साथ ही साथ जो बेसिकली इस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है, कुरापिका की आंखें वापस लाना और जो विलन है उसे रोकना, ये सब चीजें इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पूरी मूवी देखने के बाद मैं थोड़ी देर शांत बैठा और मैंने अपने आप से पूछा कि यार मैंने ये मूवी क्यों देखी, किस लिए देखी, क्या था इस मूवी के अंदर, मतलब जो फाइट हुई वो मजाक था। लेकिन थोड़ी देर बाद फील किया गया यार इसका मेन मोटिव तो फाइट पर तो था ही नहीं, इसमें मेन फोकस किया गया है कहानी डेवलपमेंट के ऊपर, कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है उनके ऊपर फोकस किया गया है। इवन जो फाइट हो रही है तो वो जो वहां पर बातें कर रही है वहां पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। काफी ज्यादा इंटेंस कैरेक्टर और काफी बढ़िया इसकी एनिमेशन है यार, आप लोग जब इसको देखोगे, एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने ये मूवी देखने के बाद मैंने अपने आप से लिटरली
क्वेश्चन किया है यार क्यों देखी, लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास हुआ यार मूवी अच्छी है, काफी अच्छी है, क्योंकि इसकी जो डेवलपमेंट है, करेक्टर डेवलपमेंट वो बहुत बढ़िया है, कहानी बताने को जैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो काफी ज्यादा अच्छी है। इस एनिमे मूवी में भले ही जो करेक्टर है वो शॉर्ट्स पहनते हैं लेकिन उनकी सोच काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब मैच्योर लेवल की वो बातें करते हैं। और इसमें जो मेन करेक्टर है गोन का, उसके बारे में इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाया गया लेकिन आप देखकर आसानी से पता लगा लोगे वो करेक्टर कैसा है। वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड करेक्टर है, ऑप्टिमिस्टिक करेक्टर है, अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता है, उसको मतलब कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो अब सवाल उठता है तो क्या अगर हमने एनिमे सीरीज नहीं देखी है तो क्या ये मूवी हम देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी? जैसे मुझे समझ में आ गया क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले रिसर्च कर ली थी, पता कर लिया था कि इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और आप लोगों ने वीडियो देख रखी होगी तो शायद आप लोगों को ये मूवी समझ में आ जाने वाली है। लेकिन जाते जाते एक बात मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि ये मूवी देखने के बाद इसके सीरीज को बिल्कुल भी जज मत कर देना, क्योंकि जैसा इसके अंदर इंटेंस माहौल क्रिएट किया गया है सच में यार वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जो एनिमे सीरीज है शायद इसमें डेवलपमेंट होने में टाइम लगे लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगी। खैर मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसको देखूंगा। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 स्टार। अगर किसी ने ये मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो शायद आप लोग इसको शुरुआत कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।